वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुबह के अभी 6 बजे हैं और हम रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। अभी हम आप लोगों को आज जहाँ होगा नैना देवी या चंडी देवी या फिर हो सकता है दोनों देवी का दर्शन कराएंगे, और प्लान है हमारा कनखल भी जाने का। तो अभी देखते हैं, पहले ऑटो वाले से बाहर बात करनी पड़ेगी तो वो कहाँ पर लेके जाएगा या कैसे जाना होगा, अभी हम वो आगे बताएंगे आप लोगों को। चलते हैं नीचे और ऑटो वाले भैया से बात करते हैं, अभी देखते हैं उससे कि कहाँ कहाँ की बात होती है, कहाँ लेके चलता है कहाँ नहीं। तो आपको मिलते हैं ऑटो वाले भैया के पास। सो गाइज, हम अभी श्री पूर्वानंद आश्रम जी पहुँच चुके हैं कनखल में। यहाँ पर 9 ग्रह हैं, आप लोगों को उनके दर्शन कराते हैं हम अभी। ये देखिए, ये श्री यंत्र है। आप उतारो बेटा सैंडल। मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं और ये सभी देवता और माता जी की तस्वीरें हैं, ये देखिए। गाइस, ये यहाँ पर 9 ग्रह के दर्शन थे, जो शुक्र देवता हैं, शनि देवता हैं, बृहस्पति देवता हैं, बुध देवता हैं, सब 9 के 9 ग्रह थे पूरे। और लक्ष्मी जी का यंत्र था जो हमने बीच में दिखाया। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, पंडित जी ने टोक दिया था, तो हमने फिर वहाँ पे बंद करनी पड़ी। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आके आपको बता रहे हैं। तो गाइस, ये राम जी का यहाँ पर ही मंदिर है। यहाँ पर जो राम लिखा हुआ था पत्थर पे, वो पानी में तैरता हुआ है। तो अभी देखते हैं हम भी दर्शन। ये देखिए यहाँ का मंदिर, ये यहाँ पर माता जी है। ये राम भगवान है, ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी। ये देखिए, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसमें गोल सा वो अच्छी है, उसमें देखो ये है वही पत्थर पुल बनाया था राम नाम का, ये अभी भी पानी में तैर रहा है। हाँ गाइस, अभी हम आ गए हैं शिव जी भगवान जी के ससुराल, दक्ष प्रजापति जी का मंदिर, जहाँ पर पार्वती माता जी सती हुई थी। और आप लोगों के वहाँ के कुंड के भी और सबके दर्शन अच्छे से कराएंगे आज। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भीड़ काफ़ी है क्योंकि ये कनखल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है।
सो गाइस देखिए, ये शिवजी भगवान पार्वती माता को लेते हुए यहाँ पर धागा बांधने की भी मान्यता है। जो विश होती है वो सब पूरी होती है। यहाँ पे जैसे भीड़ है, शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो मेरी आवाज़ कमी आएगी थोड़ी। ये देखिए, जय हो। ये यहाँ पर शॉपिंग के लिए तो हर जगह होती है, जहाँ पर भी मंदिर होगा वहाँ शॉपिंग की शॉप जरूर होगी। मालाएं, प्रसाद, गंगा जल के लिए बॉटल, बैग्स। ये देखिए एंट्री में शेर दहाड़ते हुए। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं श्री दक्ष यज्ञ कुंड। ये देखिए लिखा हुआ है, पार्वती मैया सती हुई थी। ये है सत्य शिव साधना। ये देखिए भगवान शिव जी साधना करते हुए। ये शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, इसके दर्शन कीजिए। और ये बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ पर जो भी विश मांगते हैं वो पूरी होती है, बहुत मान्यता है यहाँ की। और चलिए चलते हैं आगे। अब मंदिर में प्रवेश करते हैं हम। मंदिर में एंट्री करते हुए सो गाइस, ये है वो कुंड, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे मेन ये कुंड ही है, जो बहुत पुराना है और आज भी इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। सो इस मंदिर में पहले ही लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, बट हम देखते हैं जहाँ तक आपको दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे। तो गाइज अभी मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये सती कुंड है। तो ये है गंगा मैया जी का प्राचीन मंदिर और प्राचीन पेड़। जय श्री राम लिखा हुआ है इस पे। ये देखिए ये गंगा मैया जी का मंदिर है। ये देखिए शिवजी भगवान, गंगा मैया और शेरावली माता। ये देखिए जय माता। ये हमारी वाणी पूजा करते हुए। कैसे करते हैं वाणी पूजा? हाँ, गुड गर्ल। और ये गंगा मैया जी के साथ में ही श्री राम दरबार। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। ये देखिए आराम से आराम से। गंगा, ये राम जी भगवान, सीता मैया। ये है गंगा मैया, दर्शन करते हुए सब नहाते हुए। ये मंदिर है यहाँ पे भी। ये देखिए पूजा हो रही है। ये देखिए जय गंगे मैया। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने और हनुमान जी के दर्शन करने और गौरी पुत्र गणेश जी के दर्शन करने।
ये देखिए गाइस, ये काल भैरव बाबा जी, ये हनुमान जी और वो गणेश जी। ये तुलसी मैया जी हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है तुलसी माता जी की। इनकी पूजा करना बहुत अच्छा होता है, करनी चाहिए और रोज़ सुबह पानी भी देना चाहिए। ये देखिए, जय तुलसी माँ। सो गाइस, ये हम नेक्स्ट मंदिर में आ गए हैं। ये हरिहर का मंदिर है और इसमें रुद्राक्ष का पेड़ है, काफ़ी पुराना। ये देखिए, साफ सफाई भी बिल्कुल बढ़िया है और अभी तो यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। ये रहा रुद्राक्ष का पेड़। ये देखिए कितने सारे शिवलिंग। ये है पेड़ रुद्राक्ष का। और ये सब शिवलिंग के नाम हैं, मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, महाकालेश्वर, जैन, ममलेश्वर, जहाँ जहाँ का भी है शिवलिंग सब। ये देखिए, जय शिव शंकर। ये नंदी जी, मैंने सुना है कि नंदी जी के कान में जो कुछ बोलते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है, तो अभी हम भी बोल के देखेंगे कि क्या विश पूरी होती है और क्या नहीं। अभी वाणी बोलेगी, पहले कान में एक विश बोलो नंदी जी के, विश बोलो। ओके, वाणी की बारी होगी, अब मेरी बारी है, अब मैं विश बोलूँगी। और यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर भी है शिव जी का, जिसमें मां मृत्युंजय का जाप होता है। आइए उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। महादेव जी का मंदिर है, इसमें अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। शिवलिंग चांदी का बना हुआ शायद, और ये शेषनाग उसको कवर किए हुए हैं।
ये रुद्राक्ष है, यहाँ पर प्योर रुद्राक्ष मिलते हैं, सब वैरायटी के हैं, 6 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी, सबके अलग अलग प्राइस हैं, शिवलिंग भी है। मतलब कौन सा पहनना है कैसे का? 5 मुखी, इसका क्या बेनिफिट है? अच्छा होता है शरीर के लिए। हम परिक्रमा करेंगे, ये जो शिवलिंग है ये 12 है और इनकी परिक्रमा करना भी अच्छा होता है, तो अभी हम परिक्रमा करेंगे इसकी। और कृष्णा मेरे बाल खींचने में लग गया है, चलो भाई चलो परिक्रमा करो, बन हाथ जोड़ के ऐसे, नहीं नहीं ऐसे अभी हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बच्चे परेशान कर रहे हैं और अभी यहाँ से चलते हैं हम, तो जहाँ तक देखेंगे हम मनसा देवी के दर्शन अब शाम को करेंगे, क्योंकि दोपहर में हमसे हो नहीं पाएंगे और बच्चों के साथ वैसे भी वानी चिल्लाने लगी है खाने पीने के लिए, तो अभी चलते हैं। और आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था, तो अभी हम कमरे पे जाएंगे, अपने रूम पे जाके कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और वानी भी और कृष्णा भी परेशान कर रहे हैं। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना, आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कोई खराबी होती है कुछ भी कमी होती है आप करके बता सकते हैं, हम उसमें सुधार लाएंगे, अपने से बिल्कुल पूरा 100% देंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।